जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। पतित पावन आरत त्राण, पतित डाकुचि किंपान सुण, पतित उद्धार बाना उड़ाई, पतित देखि देउ चगड़ाई हे, पतित रक्षणे भय हे, पतित रक्षणे भय, पतित तारण बना नारायण, काहीं की उड़ाओ कुह हे, काहीं की उड़ाओ कुह। पतित तारण बना नारायण, काहीं की उड़ाओ कुह। जितेबले भक्त माने आसी थाम भाव रखिए अनेक कथा प्रभु को कही थाए, यही दृश्य को देखी दे पतित पावन बाना नील चक्र महाप्रभु प्रसाद एवं पतित पावन नारायण दर्शन कर देकर प्रभु को जनई थाए तार दुख तार भाव तार गुहारी प्रभु को करी थाए। बुधवार पंडितवास, ये बुधवार को पंडितवास बोली कह जाए बा पंडित वार। एवं आज दिन में बुद्धिदाता गणेशंकर आम पूजा अर्चना करी थाउ, गणेशंकु स्वतंत्र भाव में गणेशंकर मंत्र स्तोत्र इत्यादि जप करी थाउ, गणेशंकु सिंदूर लागे करी थाउ। एवं गणेश जेहेतु रक्त पुष्प प्रिय, तंकु नाली पुष्प नाली फूल दे थाउ। आज दिन में भगवान बराहंकर आज प्रकट दिवस, भगवान बराह आज आविर्भाव होते। आज हूँ द्वादशी, जेहेतु गत काली एकादशी थिला, आज हूँ द्वादशी। द्वादशी अर्थ एकादशी, आज हूँ पारण दिवस। आज दिन में एकादशी व्रत को पारण करी, जो सुंदर प्रसंग आम मैंने शुणुचे एकादशी काली गत काली शुणीचे, एवं आज देखुचे दर्शन करुचे भक्त टीए किए केते भाव रे दर्शन करुची प्रभु को दुख जनाऊँ। एवं जहाँ आम प्रसंग रही आलती रे पंचमुखी दीपदानी कहीं व्यवहार करा जाए, ये पंचमुखी आलती रहिबार मुख्य कारण कौन, कहीं पांच बती आलती आम विभिन्न बती रही, कौटी गोटे बती, कौटी तीन बती, काठी आलती जोटी थाए, कौटी तीनोटी पांचटी आलती रे आलती करा जाई थाए, कौटी दशवती आलती मध्य रही, किंतु ताहा विशेष स्वतंत्र दिन मानकर। किंतु दैनंदिन आपण देखिबे प्रत्येक मंदिर रे पंचवती आरती आमर आरती करा जाई थाए, जेहेतु अग्नि होउचंती देवतांकर हबीर बहनकारी दूत, तो अग्निंकर अग्निंकर संयोग करा जाई आरती करा जाई थाए। आहा महालक्ष्मी दर्शन, ये हूँ गुमुट महालक्ष्मी, जेहेतु ये क्षेत्र हूँ श्रीक्षेत्र, ये क्षेत्र में आप जुआड़े देखिए जो देखिए से आपण को श्री अर्थात महालक्ष्मी दर्शन देवे। एवं गोटे पटे महालक्ष्मी दर्शन, आउ गोटे पटे टीवी पर्दार महाप्रभु पतित पावन देवंकर दिव्य दर्शन, गुमुट उपर माँ लक्ष्मी विराजमान कर सिंहद्वार गुमुट। एवं जदि मंदिर भितरक जीवे आपण मध्य देखिबे दुईज लक्ष्मी रही शंखनिधि एवं पद्मनिधि, ये हूँ विधान उत्कलीय परंपरार। सेपरी भाव आरती तो आई समय पर हम संध्या आसी उपस्थित हेले संध्या समय, ये संध्या समय कौन ना, ये हूँ संधि समय, ये हूँ दिवस अंत समय, रात्रि आगमन मध्य ये हूँ संधि। एवं यो समयटी ये समय रे देवता मानंकर आराधना एवं देवता मानंकर उपासना जो माने करी थांती से मानंकु तीव्र फल प्राप्ति होई थाए, एवं विशेष फल प्राप्ति होई थाए निश्चित भाव रे। काहिकी ना संधि समय रो वर्णना आमर शास्त्र रे रहिची, जेतु आमे सकाळे मध्य ब्राह्म मुहूर्त रु रात्रि जाउथिबो सकाळ आसुथिबो से होची प्रातकालीन संध्या, एवं ये गोटे संध्या मध्यान्ह समय रे गोटे मध्य संध्या, सकाळ जाउथिबो मध्यान्ह आसुथिबो दिवस आसुथिबो से सूर्य नारायणंकर उत्ताप प्रचंड भाव रे खरा होउथिबो मध्यान्ह समय पाखापाखी बारटा को मध्यान्ह बोली कह जाए बा बारटा रु मध्यान्ह बोली हिसाब करा जाए, सी होउछि गोटे संधि समय। एवं ये होउछि तृतीय संध्या,
द्वितीय संधि समय जहाँ को संध्या बोली कहुए आमर शास्त्र रे त्रिकाल संध्यार महत्व रही कालर संध्या तीन काल रे प्रार्थनार विधान रही निम्ते ये संध्या ये संध्या समय रे किए भागवत पाठ करती किए ठाकुर घरे बसी ठाकुर को दीपटीए दे धूपटीए लगे मंत्र जप करु किए धूप दीप लगे ध्यान करु आलती समय हो गले देवालय मानक दैनंदिन देखिए पंचमुखी दीप दानी रे आलती करा जाए किंतु पांचटी दानी एठी काहीकि रहिला एठी छटी रही पारि थामता चारटी रही पारि थामता बाउ किछि होई पारि थामता किंतु पांचटी रहिबार कारण कौन देखिए ये पांच संख्याटी आम शास्त्र रे ये पांच संख्याटी अनेक थर व्यवहार करा जाइछि एवं ये पांच संख्याटी एक अजुग्म संख्या एवं पांच संख्याटी होउछि एक अनुकूल संख्या मध्य काहीकि ना आम शास्त्र देखिए ये पंचम संख्या को पांच संख्या को अत्यंत शुभ बोली मना जाए आमर स्मात उपासन सनातन धर्मर जो मूल उपासन पंच देवतांकर आमर पूजा करा जाए किए ना सर्वाद गणेश आज जेहेतु गणेशंकर वार ये भगवान गजानन प्रति युगर अवतार नहीं यदि आप देखिए भगवान गणेशंकर प्रत्येक युगरे अवतार रही सत्य युगरे त्रेता युगरे द्वापर युगरे तेणु अग्रपूज्य होती गणेश आमर सनातन धर्म जेकोसी शुभ कार्य हो आग गणेशंकर पूजा आग वरुण पूजा आपण करेंगे गणेशंकर विघ्नेश्वर पूजा न कले विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते तेणु गौरी सुत गणनाथंकर गणनाथ होचंति अग्रपूज्य तेणु पंचदेवता उपासना जो रही प्रथमे आसुचंति गणेश तापर आसुचंति नारायण गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते सेपाई आम देखिए ये पांच संख्या कहीं आमर पंचदीपदानी दि जाए ताहत आगुक आपड़ निश्चित भाव में शुणे कारण आगुक आपड़ आरती मध्य दर्शन करेंगे तीर्थराज महोदधी पतित पावन नारायण तेणु आगुक निश्चित भाव में शुणे तेणु कई कड़े जामतु ना मोर माँ बापा भाई भी मैंने संध्या समय घरे आम जय जगन्नाथ टी लगी आम घर टी यदि आप आखि बंद करदे आपन को पूरी भि अनुभव हम कहीं ना आपण आखि खोलिले देखुछंदि जगन्नाथ महाप्रभुंकर दिव्य प्रासाद नीलचक्र पतित पावन वाना एवं टीवी परदार आउ गोटे पटीए अविकल महाप्रभुंकर श्रीमुख पतित पावन जे कि संसार रे एभली एक ठाकुर जो आपण बाहर अन्य ठाकुर मानंकु देखिबापाई मंदिर भितर को जिबे मंदिर भितर को जाईकिरी सिंहासन रे प्रभुंकर दर्शन करिवे किंतु जगन्नाथ धाम परम पावन पुरुषोत्तम धाम रे एठी महाप्रभु भक्त को देखिबे बोली देउळरु सिंहासन छाड़ी द्वार मुहरे जगिकिरी बसचंदि मो भक्त आसिबो आग मु मो भक्त को देखिबे तेणु भक्त वत्सल महाप्रभुंकर एठी विचित्र लीला आपण देखिबे तेणु आमर पंच देवतांकर उपासनार विधि रहिछि सर्वाद आमर स्मात परंपरा रे एवं सनातन धर्मर जहाकि मूल पंथ होउछि स्मात पंचदेवता उपासना आपण देखिबे परवर्ती समय रे ये वैष्णवीय परंपरा चारि संप्रदाय ये सब आसी किंतु मूल हूँ पंचदेवता उपासना बा स्मात परंपरा सनातन धर्मर एवं परवर्ती समय रे ये चारि संप्रदाय आसी वैष्णव शैव सौर गणपत्य ये सब भिन्न हो जाती किंतु आमर स्मात उपासना हूँ मूल जहाँकि पंचदेवता उपासना आम गजानन विषय कहे आज बुधवार टिके गणेश विषय निश्चित भाव में शुणा दरकार जो गजानन होती ये हूँ अग्रपूज्य गणेश महाप्रभु को देखुं महाप्रभु मध्य बर्षकर थे गोटे दिन गजानन बेसर मध्य प्रभु दर्शन दिखती जहाँकि स्नान पूर्णिमा दिन ज्येष्ठा पूर्णिमा दिन महाप्रभुंकर जो ज्येष्ठा स्नान हुए समुद्र ज्येष्ठा मंत्र रे चतुर्धा मूर्ति को 108 जल कुंभर स्नान होता है परे परे से गणपति भट्ट महाराष्ट्र जी आसी आहा दर्शन हेले तीर्थराज महोदधी प्रणाम करिए जितेबले देखिए तीर्थराज को सी प्रत्यक्ष रो परोक्ष रो आपन टे प्रणाम करदे विप्र बाक मैंने घंट घंटा ध्वनि से महाआरती को
ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦୀପ ଆରତୀ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକାକାର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ବା ପାତ୍ର ସଦୃଶ ଇଏ ହେଉଛି ଆରତୀ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଆରତୀ। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଦେବତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ପାର୍ଷଦ ବା ଆମର ଜିନିଷ ଜିନିଷାତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଦେବତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେବତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ତା ପାଇଁ ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହେବ, ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ତା ପାଇଁ ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ପଲଙ୍କ ତିଆରି ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବ, ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆକାରକୁ ଦେଖି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସାଗର, ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେବଳ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆରତୀ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ମନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ପାଞ୍ଚ ମନ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମନ ମଧ୍ୟ ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ସୁପ୍ରଭାବ ଆମର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଭାବର ସହିତ ହାତକୁ ଟେକି ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିନାଦରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମୁଖରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମୋର ମାଆମାନେ ହୁଳହୁଳିନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ସନ୍ନିଧିକୁ ସମୀପକୁ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗଜାନନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗଜାନନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଦେବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ସବୁ ଯୁଗରେ ଅବତାର ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଲହଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେ ଯେପରି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ। ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପୀଠ ଉପରେ ବିପ୍ର ବାଳକମାନେ ଉପବିଷଣ ହୋଇ ଆସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଯାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆସନ କରିବେ, ଆସନ ପକେଇବେ। ଏପଟେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ନୀର ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆବାହନ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ପୂଜାର ମୂଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଆବାହନ ସଂସ୍ଥାପନ ସନ୍ନିଧାନ ସନିରୋଧନ ସକଳୀକରଣ ଅବକୁଣ୍ଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି କେମିତି ତୀର୍ଥରାଜ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛି। ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କଲେ, ନୀର ଅର୍ପଣ କଲେ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କୁ ହେଉଛି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମହୋଦଧି, ତେଣୁ ଇଏ ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ସକଳ ତୀର୍ଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହି ପଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ବୁଲିକିରି ଗଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆରତୀର ପୂଜା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର, ଗଜାନନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଗଜାନନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଚାରି ଯୁଗ ରହିଛି ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ଆମର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଋଷି କଶ୍ୟପ ଓ ଅଦିତିଙ୍କ ଘରେ ମହଙ୍କତ ବିନାୟକ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦେବାନ୍ତକ ଓ ନରାନ୍ତକ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଉମାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଜନ୍ମି ସିନ୍ଧୁ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ, ଗଣେଶଙ୍କର ଆମର କୁହାଯାଏନି ଦୁଇ ଜଣ ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ରୂପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଧୂମ୍ରକେତୁ ରୂପରେ ଅବତାର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଧୂମ୍ରକେତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଧାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଇଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦାନୀ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପଦାନୀ କାହିଁକି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆରତୀରେ। ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ତାଳି ବାଜୁଛି, ରାମ କଥା ସୁନ୍ଦର କର ତାରି,
संशय विहग उड़ाओ निहारी। एपटे घंटा थुआ होइछि, घंटा भूमि रे पड़ी, आरती जेतेबेले प्रारंभ करा जीव अग्नि संयोग हेबा मात्र घंटा को धरी पकई देइए, एवं घंटा धरिले अग्नि संयोग हुए। काहे कि ना ये घंट घंटा ध्वनि रे से वातावरण पवित्र हो जाए, से वातावरण शुद्ध हो जाए। एवं ता पूर्वरु मध्य आमर जहाँ रही विप्र वेद ध्वनि, ज्योतिष मंगल ध्वनि, नारिश्च हूल ध्वनि, आमर किए केऊ ध्वनि की उच्चारण करिवे आमर ता शास्त्र रे रही विप्रमान वेद ध्वनि, ब्राह्मण मान वेद ध्वनि उच्चारण करिवे, ज्योतिष मंगल ध्वनि, ज्योतिष मान मंगलाष्टक पाठ करिवे, नारिश्च हूल ध्वनि। इतिपाई माँ मान आमर देखंतु हुड़ाहुड़ी नाद रे प्रकंपित हो अछंति तीर्थराज महोदधिंकर ये क्षेत्र। तेणु आमर ये जो पंच दीपदानी आरती करा जाए, ये पंच दीपदानी कथा आम कहचे, आम आलोचना करूँ पंच देवता संपर्क आम शास्त्र रे ये पंचम संख्याटीर एक विशेष महत्व रही थिवारु आमर पंच देवता उपासना आमर मूल परंपरा होइथिवारु एवं आमर पंच रत्न मध्य महत्व रही शास्त्र रे। आमर जो अनेक रत्न तो अनेक रही किंतु से समस्त रत्न भितर आमर पांचटी रत्नर विशेष महत्व रही। कौन कौन से पंच रत्न ना आपण देखिबे, मुंगा आमर मुंगा बोली एक रत्न जहाँ को ज्योतिष माने परामर्श दे था पिंधिबापाई मुद्रिकारे मुद्रिका करिकी। एवं आउ गोटे हूँ पाना, एपटे मध्य भगवान पतित पावन नारायणंकर आरती प्रस्तुत चली सुंदर भाव में। गोटेपटे तीर्थराज महोदधी आरती प्रक्रिया आरंभ हो गलाणी, पूजा चली संस्कार करुछंती। देखंतु हाथटी रही गोटे वक्षस्थल यहीपरी भाव में आम देखुचे पतित पावन नारायणंकर दर्शन एवं तीर्थराज महोदधी अपूर्व आरतीर प्रस्तुति प्रक्रिया पूजा चली। हस्तरे जल धरिछंती, घंटा चालन करुछंती, मुखरे मंत्र उच्चारण करुछंती एवं देखंतु कौन नैवेद्य अर्पण कले, धूप दीप गंध पुष्पई नैवेद्य पंचदे क्रमाद, ये क्रम अनुसार पूजा चली। पूजा परे होची जपर विधि, हाथ को यज्ञोपवीत रखी देखंतु जप आरंभ कले, ये होची जप गायत्री मंत्र जप करुछंती। यहपरी भाव ये होची विधि, आरतीर होची विधि, आग पंचोपचार पूजा है देखंतु जप कर सारे, वर्तमान जप जल समर्पण कले, जप कर सारे जपर जल को समर्पण विधान रही। आम आलोचना करुले पंच रत्न संपर्क जहाँकि हूँ मुंगा पाना एवं नीलम बोली आमर एक रत्न रही माणिक्य एवं पोखराज, ये हूँ पंच रत्न। यहपरी भाव आमर ये पंच रत्न एवं पंच तत्व आमर जहाँकि शरीर ये गठित पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, तेणु ये क्षिति जल पावक गगन समीर ये जो पंच तत्व रे आमर ये अधम शरीर आमर अधम शरीर गठित हो पंच तत्व रे। एवं ये पंच तत्व जहाँकि निश्चित भाव तो आम आलोचना करवा, एपटे पूजापंडा सामंत महाभाग एक दीपटीए लगेले एवं ये दीप होची अग्नि संयोग कले बलिता पवित्र शुद्ध घृत द्वारा गो घृत द्वारा देखंतु प्रस्तुत ये प्रदीप जलुछंती। एपटे तीर्थराज महोदधी आरतीर जो प्रस्तुति पर्याय चली, आरती दानी रे पुष्पमाला सुंदर भाव में सजेकि रखिले, वर्तमान ये आरती पीठर सीधासलख आप तीर्थराज महोदधी दर्शन करुछंती एवं सुंदर भाव में आरती आरंभ हला। एवं आसंतु श्रवण करिबा सुंदर भजन, भावपूर्ण भजन श्रीमती नमिता गुराल मांकर भावपूर्ण कंठरु। जय जय जगन्नाथ।
जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्रवण करुथिले आपण सुंदर भाव रे गीत गोविंद। ये गीत गोविंद जहाँ कि प्रभुंकर अतीव प्रिय, इते प्रिय जे इते बेले जयदेव गोस्वामी ये गीत गोविंद लिखिबा पई अटकी जाइछंती मत मझीरे। देही तव पद पल्लव मुदारम, ये पद टिकु आसी स्वयं महाप्रभु ही रचना करथिले जयदेवंक रूपरे। इते बेले जयदेवंकर पत्नी जयदेव स्नान निमन्ते जाइछंती, तांग पत्नी पद्मावतींकु कहउछंती प्रिय उ स्नान सारी आसुची। पद्मावती पचारुछंती नाथ एते चिंतित आपण कौन पई, ना चिंतित मु मोर जो काव्य लिखुची प्रभुंक उद्देश्य रे गीत गोविंद, मु एठी कौन लेखिबी मु किछि चिंता करि पारुनि, किपरि भाव रे अलंकार अलंकार केउ शब्द मु सेठी सेठी प्रयोग करिबी मु ताहा जानि पारुनि। जेतेबेले स्नान निमन्ते जाइछंती प्रभु सेही समय रे आसंती जयदेवंक रूप धरि आउ लेखि दियंती गीत गोविंदर सेही पद। देही तब पद पल्लव मुदारम, राधाराणीकर से पाद पद्म को भगवान इच्छी चिंता करी, हे राधे देही तब पद पल्लव मुदारम। अपूर्व से भाव गीत गोविंदर भाव आपण मान श्रवण करुले, एवं तीर्थराज महोदधी आरती सहित दर्शन करुले आपण पतित पावन आरती, एवं तीर्थराज महोदधी जो आलती आलती वर्तमान सरवापर ताकि भूमि पीठ उपर रखिंट से आरती को, एवं से आरती को धरी जल द्वारा टिके शीतलीकरण करी एवं वर्तमान तीर्थराजंकर समीप को जाऊँ। निश्चित भाव तो शुणुले गीत गोविंद देखुले आरती, ये पंच दीपदानी कहीं आरती करा जाए ना, आमर देखिए पंच देवता रहिले पंच तत्व पंच तनमात्र पंच इंद्रिय एवं पंच सखा, एपरि भाव पाँच संख्याटी एक एपरी अनुकूल संख्या, से निम्ते ये पंच दीपदानी आरती करने द्वारा देवतांकु आमर पंच तत्व रे जो शरीर गठित होइथाय एवं पंच तत्व शरीर आमर सुदृढ़ होइथाय एवं सकारात्मक शक्ति आमर ये पंच तत्व शरीर को प्राप्त होइथाय। तीर्थराज महोदधींकु आरती देखौछंती से ब्राह्मण बालक माने पटे भगवानंकर पतित पावन नारायणंकर संध्या समय दर्शन सहित तीर्थराज महोदधींकर आरती आपण माने देखिले, एवं से आरती को से स्थान रे रही देखुछंती आरती की देखौछंती सुंदर भाव रे आकाश को इंद्रादि दशदिगपाल मानकु सब देवता मानकु आरती देखौछंती। काहेकि ना तीर्थराज महोदधींकर से जो स्थान टी ता पाखरे रहिछि स्वर्गर द्वार, सेतिपई सब देवता माने सेई पाखा पाखी विचरण करुथांती। ये क्षेत्र रे स्वर्गरु आसीबा पई बा स्वर्ग को जीवा पई सेई पाखरे रहिछि स्वर्ग द्वार, जेहेतु कारण इंद्र से हीपटे जीवा आसवा करुले से ही सुआर जे कि मेघमालिया सुआर नाम आमर प्रसिद्धि लाभ करते से ही स्थान रे एक दंडटी को पोती देते। जिते बड़े राजा जाणिले कले ये भली सुआर ये कौन इंद्र साधना करी जे ये डाकी देले वर्षा मेघ होउची, नाई नाई निश्चित भाव रे ये इंद्र यहीपटे जाइछंती माने इंद्र यहीपटे आसुछंती माने ये होउची स्वर्ग को द्वार, सेतिपई देवता मानंकर ये क्षेत्र को परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसीबार जीवार स्थानटी एटा अर्थात स्वर्ग को एहीपटे मार्ग स्वर्ग को एहीपटे द्वार, तेणु से तीर्थराज महोदधी आरती सरी जा सबुआड़े के आरती देखा जाए कहीं से पखापाखी अंचल देवता माने विचरण करुथांती भक्त माने विचरण करुथंती। तीर्थराज महोदधी सन्निधि समीपर अनेक भक्त से आरती की नवापी व्याकु आकुित तो होकर अच्छा से आरती की किपर आम ग्रहण करूँ कहीं आरती नेवापर आरती नेवा द्वारा आपत देखिए आमर अनेक जन्मर कोटि कोटि जन्मर पाप नष्ट होता है पाप क्षय हो जाए, तेणु ये आरतीर अनेक महिमा रही आघ्राणं मुक्ति दस्यात नित्यम अंतर्गत मलम शौचम। आरती की आघ्राण करने द्वारा आरती नेवा द्वारा ये साक्षात मुक्ति प्रदान करपर मुक्ति प्रदान करम भितर जो अंतर्गत मलगुड़िक अच्छी अर्थात कौन ना आज्ञा मनुष्य शरीर ये ये शरीर में अनेक रोग वैराग अच्छी एमती किसी रोग अच्छी जहाँ को आम जापारे से रोग जना पड़ न थाए एवं एमती गोटे समय आसे से समय जितेबाड़ आपण चिकित्सालय को जीवे डाक्तरखाना जीवे डाक्तर बाबू कहे आज्ञा आपन को यही अमुक रोग होमुक रोग हो
से सब रोगरु आमको उपशम मिलता है जे प्रत्येक दिन आरती ग्रहण करी प्रभुंकर आरती को स्पर्श करी अग्नि शिखा को मस्तक लगे था मुखरे आखिरे लगे था आउ केतक स्थान रे आरती होता है काठी आरती पिष्ठकवर्ती आरती से आरती की आपड़ देखिए लिभेकि कहीं आम शास्त्र में आरती की आघ्राण कर विधि रही आमर ग्रंथ मानक रही आघ्राणा मुक्ति दस्यात नित्यम तेणु आरती आघ्राण करने द्वारा आरती तीर्थराज महोदधी आरती दर्शन पतित पावन नारायण आरती दर्शन करने द्वारा आमर अनेक रोग आमको उपशम मिलता है अनेक रोगर अंतर्गत मलम शौचम भितर शरीर भितर जो मलगुड़िक अच्छी जहाँकि परवर्ती समय रे रोग रूप से प्रकट हुए से रोग को नाश होता है आरती रेपरी सकारात्मक ऊर्जा थाए आरती रे एपरी महत्व थाए जे आमर रोग को दूर कर दे थाए आम मैंने प्रात काल चरणामृत को पान करुचे चरणामृत पान कला बेले कौन कहुचे ना अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि निवारणम श्री विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मं न विद्यते सेपरी भाव ये आरती महत्व शास्त्र में कहुई आघ्राणं मुक्ति दस्यात नित्यम तेणु आरती की अवश्य पाइबा कथा आरती की अवश्य आघ्राण करवा कथा सेपरी भाव ये पंच दीपदानी कहीं आरती कर आरती कराए ये पंचम संख्याटी हूँ अति अनुकूल संख्या आमर सनातन धर्म मुख्य पंचज देवता हूँ पंचदेवता उपासनार विधि एवं आमर शरीर मध्य पंच तत्व गठित कौन ये पंच तत्व आमर शरीर गठित यदि आप देखिए आम धर्म अनुसार ये ब्रह्मांडर उत्पत्ति ये आमर क्रम अनुसार अच्छी जे अनंत महत अंधकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यहीपरी भाव आमर ये पंच तत्व एवं अनंत जहाँ को आत्मा बोली कह जाए एवं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि एवं अहंकार ये हूँ ये प्रकृतिर आठटी तत्व एवं ये सब तत्व ये उत्पत्ति एवं आत्मा बा जहाँकि ब्रह्मर उपस्थितर हूँ ये हूँ कारण आकाशर आकाश पछरे हूँ किए ना वायु वायु पश्चात भाग रोच्च अग्नि अग्नि पछरे आमर जल जल पछरे होती पृथ्वी एवं पृथ्वी पछरे होती औषधि एवं औषधि मानकर अन्न अन्न रु आमर वीर्य वीर्यरु आमर पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होमर ये जो पंच महाभूतर शरीर ये क्रम अनुसार आपण शुणुले आमर आकाश पछरे वायु वायु पछरे अग्नि अग्नि पछरे जल जल पछरे होती पृथ्वी एवं पृथ्वी पछरे पर औषधि औषधि मानकर अन्न उत्पन्न एवं से अन्न रु वीर्य वीर्यरु ये पुरुष अर्थात ये जो आम शरीर आम पाई सुंदर शरीर भगवान ये दान मनुष्य शरीर आमको प्राप्त होपरी भाव वर्णना करमर तैतरीय उपनिषद तेणु आमर हिंदू धर्म अनुसार ये जो ब्रह्मांडर उत्पत्ति पंच तत्व रे ये पंच तत्व कौन ये जो आपको जगत को आमर जड़ जगत बोली कह जाए ये जो जड़ जगतर अंश बोली आपको कह जाए ये पृथ्वी तत्व एवं आमर जो देह जहाँ आमको देखा जाऊँ जो शरीर पंखिति जल पावक गगन समीरा पंच लिखित ये अधम शरीर उत्पन्न हो पंच महाभूतरु ता भितर होती पृथ्वी तत्व जो शरीर आमको देखा जाऊँ ये भी ये जड़ जगत रोच गोटे कौन ना अंश एवं पृथ्वी मध्य एक जड़ जगतर अंश एवं यही पृथ्वी ही आमर भौतिक शरीर निर्माण किंतु ता भितर से पर्यंत जीवन ता भितर आसीन थाए जेपर्यंत अन्य तत्व मानकर अन्य तत्वर अंश या भितर मिसी न थाए तेणु जो जो तत्व जो जो धातु एवं अधातु रे ये पृथ्वी निर्माण हो सही धातु से ही अधातु रे मध्य आम शरीर मध्य निर्माण होपरी पृथ्वी जपरी निर्माण होम शरीर मध्य सेपरी निर्माण होतीपाई भागवत कहगला पिंड ब्रह्मांड
एकमत जानती सुज्ञानी पंडित पिंड एवं ब्रह्मांड ये हूँ एक तेणु ये पृथ्वी तत्व संपर्क आपड़ श्रवण करुले परे परे आम जल तत्व संपर्क श्रवण करवा जपरी पृथ्वी निर्माण होपर आम शरीर मध्य निर्माण हो पंच तत्व पृथ्वी तत्व पर जल तत्व ये जल रु ही ये जड़ जगतर उत्पत्ति आम शरीर भितर मध्य जदि देखिबे प्राय 70 भाग जल विद्यमान होकर अच्छी जो धरित्री की मध्य जदि देखिबे ये धरित्री मध्य सेहिपरि भाव रे जल रे विद्यमान अधिकांश जल जल बोली आमर कहा जाए स्थल भाग कम जल भाग अधिक बोली आम कही था तेणु जेहिपरि भाव रे जेते तरल तत्व एवं जो शरीर रे एवं जेपरि धरित्री रे अछंती सेहिपरि आम शरीर रे मध्य अछंती आपण जेते पानी पियंतु एवं जहा करंतु आमर से जो रक्त आम शरीर भीतर अछि एवं जो रक्त आम शरीर उत्पन्न होउची ये सब होउची जल तत्व तेणु पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व तापर होउचंती अग्नि तत्व अग्नि होउचंती एपरि जे आमर जन्मरु मृत्यु पर्यंत आमर अग्निंकर आवश्यक एवं ये जो पंच दीपदानी रे आरती करा जायथाय अग्निंकर एठी प्रमुख भूमिका काहे कि ना आपण पंच दीपदानी रे आरती सजाड़ी देबे प्रस्तुत करि देबे बलिता एवं घृत मिश्रित करिकिरी आपण सुंदर भाव रे आरती सजाई देबे एवं से बलितार अग्रभाग रे कर्पूर चूर्ण करिकिरी देई देबे से पर्यंत आरती होई पारिबो नाही जे पर्यंत आपण अग्नि संयोग न करिछंती एवं अग्नि संयोग करि देबा परे यदि आपण देवतांकर श्री विग्रहंक सम्मुखरे ताकु बुलाउछंती तबे ताहा आरती बोली मना जीव जे पर्यंत अग्नि लागि नाहंती ताकु केही आरती कहि पारिबे नाही सेहि परि भाव रे अग्नि रु मध्य जलर उत्पत्ति आमर बोली शास्त्र रे मध्य कहा जाइछि एवं आम शरीर भितरे अग्निंकर ऊर्जा रूपरे आमर अग्निंकर ऊर्जा मध्य विद्यमान होकर अच्छा जहाँ को आम जठराग्नि बोली कही था आमर उदर भितर रही जठराग्नि एवं यही अग्नि अग्निंक कारण रु ही आमर शरीर चलप्रचल आम करे अग्नि तत्व ये ऊर्जा जहाँ को उष्म शक्ति एवं तापर प्रतीक बोली आम कही था आमर शरीर रे जिते भी आमर गर्माहट बामर जो गरम रही आम शरीर भितर ये सब हूँ अग्निंकर तत्व से भाव रे ये अग्नि लागिले ही आमर आरती होता है अग्नि पर वायु तत्व जो पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीर ये पंच महाभूत कथा कहच पंच तत्व ये पंच तत्व आमर वायु तत्व हूँ चतुर्थ जहाँकि वायु तत्व पर आकाश तत्व एवं ये वायु तत्व कारण रु ही अग्निंकर उत्पत्ति जहाँकि आम आरंभ रु जानुले पंच तत्व संपर्क में जिते बड़े आकाश रु वायु वायु रु अग्नि अग्नि रु जल जल रु पृथ्वी एवं पृथ्वी रु औषधि औषधि रु अन्न अन्न रु वीर्ज एवं वीर्ज रु ये पुरुष अर्थात आमर शरीर उत्पन्न होपरि भाव में ये वायु तत्व रु आमर वायु तत्व रु अग्निंकर उत्पन्न होती अग्नि उत्पन्न होती अग्नि आमर देवता मानकर आविर्वहनकारी दूत जितेबले अग्नि संयोग ही आरती देवता सम्मुख भाग में आपड़ देखेबे जेहेतु देवता मान होती अनमीष चक्षुष देवता मानकर आखि सब आखिर पलक पड़िकी रही थाए देवता मैंने कहीं आखि पलक पकईक रखी था से कौन निद्रे जाती ना ना निद्रार न था जाग्रत था किंतु आखि पलक पकई से महाप्रभुंर चिंतन करुंती प्रभुंर ध्यान करुंती ब्रह्मर जोगे था ब्रह्म को चिंतन करुंती परब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभुंर ध्यान था से जितेबले आरती कराए से आरती अग्नि संयोग होता पंच दीपदानी आरती को जितेबले आप देवता आखि आगे देखेदेवे आखि पलक फिटी जाए कहीं दूत होती अग्नि हविर्वहनकारी दूत अग्नि द्वारा से जापारती जे मोर सेवा हूँ आखि खोलिकी अमृत दृष्टि आम उपर पड़ी थाए से प्राय भक्त मैने प्रतीक्षा करते देवता आरती हम अरे कहीं आरती हम आरती कहीं अपेक्षा करमती दर्शन करी जाओ नाई 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 आम आरती देखिकी जी कहीं आरती रे कौन अच्छी ना आरती देखा द्वारा से अनुभव करे
ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆରତୀ ଦେଖିକିରି ଯିବୁ। ଆରତୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆରତୀ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ପରମ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଇଏ ଆରତୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରତୀ। ସେହିପରି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଇଏ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରୂପରେ ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକରି ଅଛି ବାୟୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା, ଅପାନାୟ ସ୍ୱାହା, ବ୍ୟାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଉଦାନାୟ ସ୍ୱାହା, ସମାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ଯାହାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୂଜକ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରେ ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ସେପରି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗଠିତ, ଏବଂ ଶରୀରର ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେତେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଦେଖିବେ, ଜଳଚର ଥଲଚର ନଭଚର ନାନା ଜେ ଜଡ଼ ଚେତନ ଜୀବ ଜହାନା, ଯେତେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱେଦଜ ଉଦ୍ଭିଜ ଜରାୟୁଜ, ଏ ଯେତେ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଇଏ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀ, ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବାୟୁ ଆମର ଆୟୁ ଅଟନ୍ତି। ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ ଆମର ଆୟୁ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବାୟୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆୟୁ ବା ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକି ଆମର କୁହାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ, ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଉଛେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଇଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ପରେ କ'ଣ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ଆକାଶ ଏଭଳି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ବା ଆକାଶ ଏଭଳି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁ ଇଏ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଆକାଶଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ହିଁ ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁ। ଏବଂ ଆକାଶ ହିଁ ଆମର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବା ବାହକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସାଧନାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଆମର ଶରୀର ଗଠିତ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଗଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ରସନାନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରୋତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ନେତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ରୂପରସ ଗନ୍ଧସ୍ପର୍ଶ, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରର ସମାହାରରେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଗଠିତ, ଆମ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ଗଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚ ଦୀପଦାନୀରେ ଆରତୀ କରିବାର ବିଧାନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ଦୀପଦାନୀରେ ଆରତୀ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ଅଭୌତିକ ରୂପରେ ଆମର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆକାଶ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଏବଂ ମନ ବି ଅନନ୍ତ। ଦେଖିବେ ମନ, ମନ ସୀମିତ ଅଛି, ମନ ଅନନ୍ତ, ମନରେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଆମେରିକା ପଳେଇବେ, ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମନର ଗତି ଏ ଆକାଶକୁ କେହି ମାପିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ମନକୁ କେହି ମାପିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ମୁଖ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ନୁହ ବିମୁଖ, ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହ କି ତୁମ୍ଭେ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ, ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନନ୍ତ। ଏବଂ ସେହିପରି ଆକାଶ, ଇଏ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଅନନ୍ତ, ଯେମିତି ଆମର ମନ।
ଏବଂ ଯେପରି ଆକାଶରେ କେତେବେଳେ ବାଦଲର କମ ମାନେ କମ ନଥାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ନଥାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଦଲ ଥିବ, ସେହିପରି ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେବେଳେ ସୁଖ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଯାହାକି ଆମର ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକରି ଅଛି, ଏ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଉପରେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ହେଉଛି ଓମକାର, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଓମ, ଏବଂ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚଦୀପଦାନୀର ଆରତୀର ବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚଦୀପଦାନୀରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେବତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ଆରତୀ କରାଯାଏ। ଆରତୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆରତୀ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚ ଦୀପଦାନୀର ଆରତୀର ବିଧାନ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରତୀ, ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରତୀ ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ବା ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁକିଛି ସଫା ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଦୀପଦାନୀରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିବା। ପଞ୍ଚ ଦୀପଦାନୀରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିକିରି ଆମେ ସେ ଆରତୀକି ପାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପଦାନୀରେ ଆରତୀ କରାଯାଏ, ଇଏ ବିଧାନ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆରତୀକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଆଘ୍ରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ଇଏ ପଞ୍ଚଦୀପଦାନୀର ଆରତୀ, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦେବାଳୟରେ ପଞ୍ଚଦୀପଦାନୀ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପଦାନୀର ଆରତୀ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆରତୀର ମହିମା, ଆରତୀର ଦର୍ଶନ, ଆରତୀ ପାଇବା ଏହା ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଦୀପ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ହବିର୍ବହନକାରୀ ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକରି ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଲାଇଟ୍ର, ଆଧୁନିକ ଆଲୋକ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଚାଲୁଛି, ୟା ଆଲୋକ ତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅହରନିଶି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି, ଯାହାକି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ସେ ଦୀପ, ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ ଦୀପ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୀପ ଜଳିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଆମର ଦୀପର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ କଥା ରହିଛି, କେତେ ଗାଥା ରହିଛି, ଏମିତି ଆପଣ ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଥିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବା, ହେ ମଣିମା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରିପତି ଅଭିନବ ଜଳଧର ସୁନ୍ଦର ମୂରତି ହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସଞ୍ଚ ଛାଣିକୁ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଢଳ ଢଳ ଯେଉଁ ମୁକୁତାର ହାର ଏବଂ କଣ୍ଠିମାଳକୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବରତ୍ନ ପଦକକୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଡମ୍ବରୁ ମଧାକୁ ଶୋଭା ଦିବ୍ୟ ଉଢ଼ି ଆଣି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ନେତ୍ର ଚାରୁ ଠାଣି ହେ ରୂପକୁ ନୁହଁ ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ମଦନ ରଙ୍ଗ ଅଧରକୁ ସୋହେ ଡାଳିମ୍ବ ଜେସନ ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଦର୍ପକୁ ବିମର୍ଦ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୂପକୁ କୋଟିଏ ମଦନ କ'ଣ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଦନ ମଧ୍ୟ ସରି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କନ୍ଦର୍ପ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଇଏ ଏଇଠି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ତାର ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ବିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଗାର, ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି।